अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट। ध्यान देना इस क्वेश्चन को करने में, बच्चे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। डाइमेंशन के अकॉर्डिंग पूरे जो वेरिएबल थे उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया यार। कौन कौन? डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट, डाइमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट, डाइमेंशनल वेरिएबल और डाइमेंशनल लेस वेरिएबल। तो डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट ऐसे कॉन्स्टेंट होते हैं जिनके पास डाइमेंशन तो होता है पर वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट को डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। डाइमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट रहेंगे पर उनके पास डायमेंशन ही नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट निकालना। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि डायमेंशन तो होगा पर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, क्या रिलेटिव डेंसिटी के पास डायमेंशन होता है? कभी नहीं भाई, ठीक है, ये डायमेंशन के पास होता ही नहीं। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास डायमेंशन होता है? कभी नहीं, ठीक है। क्या पॉइसन रेशियो के पास डायमेंशन होता है? कभी नहीं। ये सब डायमेंशनल लेस हाँ, इनके पास कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम की पावर माइनस वन, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। ये एक ऐसा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है और इसके बाद डायमेंशन भी होता है, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है।